There. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well, I am also very well. Friends, pichli class mein maine aapko relative clauses ke bare mein bataya tha और रिलेटिव क्लाउज के बारे में मैंने तीन वीडियो बनाया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों के तीनों वीडियो में सारे जितने भी कन्फ्यूजन्स और कॉन्सेप्ट रहे होंगे सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे. तो फ्रेंड्स, टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू सम स्पेशल. आपने सुना होगा दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है. मतलब अगर हम ऐसे पूछते हैं तो ऐसा पूछने का भाव क्या होता है. मीन्स हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो हम बोलते हैं कुछ और उसका भाव कुछ और निकलता है, तो उसका हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आपने कभी किसी से पूछा होगा कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा लगता हूं, मैं देखने में कैसा हूं. दुकान पर जाकर आपने कभी किसी चीज का भाव पूछा होगा, सीधा आप बोलते हैं चावल कैसे हैं, दूध कैसे हैं, ये दाल कैसे हैं. मीन्स हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं कैसे है? कैसे है? मतलब हमें सीधा डायरेक्टर से थोड़ी बोलेंगे कि हाउ इज द राइस, हाउ इज द पल्स, हाउ इज द मिल्क, ऐसा नहीं बोलेंगे ना. मैं कैसा हूं, अगर मैं कैसा हूं उसका भाव अगर हो रहा है कि मैं देखने में कैसा हूं, तो उसको हम हाउ एम आई ऐसा नहीं बोलेंगे ना. तो हम इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आज हम वही सीखेंगे. और सबसे पहले हम देखते हैं ये कन्वर्सेशनल वीडियो, लेट्स वॉच. Can I help you, madam? Well, could you tell me which bus will take me to the cloth market? Bus number 40. I see. Does this bus leave at short intervals? Yes, ma'am. It leaves almost every 30 minutes. How long will it take me to reach there? About 15 minutes. When is the next bus due? Just under 2 minutes. Thank you for the information. You are welcome, ma'am. Okay friends, so let's start. वो कैसी है या आम कैसा है? Means ये वो कैसी है ये आम कैसा है, इसका मतलब पूछने का मतलब कुछ और होता है. ये लिखा है जैसे पढ़ने से कुछ और लगता है, लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ, पूछने का मतलब कुछ और होता है. तो इसका हम इंग्लिश किस तरह से बनाते हैं, कुछ उल्टे सीधे सेंटेंस नजर आ रहे होंगे, उसका ही हम आज आपको इंग्लिश बताना सिखाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, वह कैसी है, वह कैसी है मतलब, इसका मतलब पूछने से मतलब यह है कि वह देखने में कैसी है. ऐसा नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है. उसकी तबीयत कैसी हो तो आप सब जानते हैं, हाउ इज शी, हाउ इज हर हेल्थ, हाउ इज शी डूइंग, ये सारी चीजें बोलते हैं. लेकिन वह कैसी है देखने में, तो हाउ डज शी लुक लाइक, ये तरीका बनाने का, हाउ डज शी लुक लाइक. ठीक है फ्रेंड्स, अभी यह आम कैसा है, तो यह आम कैसा है मतलब हम क्या पूछ रहे हैं उससे. कोई भी पूछता बोलते आम कैसा है भाई, मतलब कैसे है पूछ रहे हैं तो दाम की पूछ रहे हैं. ये आम कैसा है तो खाने में, यानी कि स्वाद उसका कैसा है, ये हम पूछ रहे हैं. मतलब हम हिंदी में बोलते हैं ऐसे ही है, लेकिन भाव कुछ और होता है और हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो समझ जाते हैं और वो बता देते हैं कि कैसा है. ठीक है, यह आम कैसा है, तो हाउ डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक. ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक, यह आम कैसा है मतलब खाने में कैसा है, इसका स्वाद कैसा है. अभी यह गीत कैसा है, अब गीत कैसा है, हाउ इज द सॉन्ग, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो बोल देंगे नाइस गुड. बट हम पूछ रहे हैं यह गीत कैसा है, ये बोलने से मतलब यह है कि यह गीत सुनने में कैसा है. हम गीत की क्वालिटी हम पूछ रहे हैं कि सुनने में कैसा लग रहा है, कैसा है सुनने में, तो उसका मैसेज बनाएंगे हाउ
does this song sound like? यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, आप समझ जाना कि how does this song sound like, मतलब ये इस गाने की आवाज, ये मतलब ये गाना सुनने में कैसा है। इस तरह से हम हिंदी में काफी इस्तेमाल करते हैं, फिर इंग्लिश में भी हम कुछ अलग ही तरीके से बोलेंगे ना, हाउ इज दिस सॉन्ग, हाउ इज द राइस, ऐसा नहीं बोलेंगे ना हम, या मिठाइयाँ कैसी है, तो यह मिठाइयाँ कैसी है, कैसी है मतलब खाने में पूछेंगे ना कि टेस्ट कैसा है इसका, हम ये नहीं पूछ रहे कि कैसी है, सड़ी हुई है, ताजी है, ऐसा हम कुछ नहीं पूछ रहे, हम उसका स्वाद पूछ रहे हैं, मीन्स खाने में कैसी है। तो हम बनाएंगे हाउ डू दिस स्वीट्स टेस्ट लाइक, ठीक है फ्रेंड्स। अभी दूध कैसे है, दूध कैसे है? हम जाकर अभी हम दुकान पर जाकर सीधा बोलते हैं भाई दूध कैसे है, चावल कैसे है, दाल कैसे है, मतलब हम उसका भाव पूछ रहे होते हैं, उसकी हालचाल नहीं पूछ रहे होते हैं कि कैसा है वो, ठीक है कि खराब है, कैसा है, अच्छा है, नहीं हम उसकी कीमत पूछ रहे होते हैं, भाव। तो हम कैसे बोलेंगे दूध कैसे है, तो हाउ मच इज द मिल्क, हाउ इज द मिल्क, यही चलता है, हाउ मच इज द मिल्क। और काफी लोग तो हाउ मच इज द मिल्क इतना लंबा भी नहीं बोलते, सीधा दूध का थैला उठा के बोलेंगे हाउ मच, सीधा चावल में ऐसा लेकर बोलेंगे हाउ मच, हाउ मच मीन्स कॉस्ट पूछा जा रहा है, शॉर्टकट रास्ता जल्दी अपनाते हैं लोग, ठीक है फ्रेंड्स। केला कैसे, तो केला कैसे है मतलब हम भाव पूछ रहे हैं, हम केला कैसे है उसका हालचाल नहीं पूछ रहे, तो केला कैसे है, हाउ मच इज बनाना, ठीक है। चावल कैसे है, तो हाउ मच इज द राइस, यह पेड़ कितना पुराना है। अगर हम बोलते हैं किसी भी चीज के बारे में कि ये भाई तुम्हारी बाइक कितने दिनों की है, ये तुम्हारी साइकिल कितने दिन हो गए, ये बच्चा कितने दिनों का है, हम इस तरह से पूछते हैं ना, तो उसका हम जवाब किस तरह से देते हैं, या हम पूछते किस तरह से, हम पूछेंगे भी तो किस तरह से पूछेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे हम इंग्लिश में, कि ये बोल दे तुम्हारी साइकिल कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है, अरे कितने दिनों की है, कितना दिन हो गया भाई इस बाइक का, ऐसा हम पूछते हैं हिंदी में, तो उसका हम इंग्लिश में किस तरह से पूछेंगे, तो यह पेड़ कितना पुराना है, तो हाउ ओल्ड इज दिस ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है कुछ उल्टे सीधे सेंटेंसेस के, उल्टे सीधे इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि जब हम इस तरह से हम सवाल करते हैं, बातें करते हैं, तो उसका हम भाव पकड़ कर इंग्लिश बोलेंगे, न कि हम ट्रांसलेट करेंगे उसको वर्ड बाय वर्ड, ऐसा वर्ड बाय वर्ड हम अगर ट्रांसलेट करने जाएंगे फिर इट विल बी रॉन्ग। हम भाव समझकर, हम पहले बेसिक सीखते हैं, बेसिक बेसिक इंग्लिश बोलना सीखते हैं, तो उसमें हम सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं कि हैज़ कहाँ लगाना है, इज़ कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, सेंटेंस बाई सेंटेंस, वर्ड बाई वर्ड हम उसको बनाना सिखाते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब एडवांस इंग्लिश में आते हैं, अभी हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है, तो एडवांस कोर्स में हम आते हैं, तो एडवांस कोर्स में हम ज़्यादातर सेंटेंस के भाव को समझ कर, यानी सेंस पे, हम सेंस पे इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, न कि टेंस पे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि तुम कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम भी बोल सकते हैं, और व्हेन आर यू कमिंग भी बोल सकते हैं, व्हेन आर यू अबाउट टू कम भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम एडवांस इंग्लिश को छोड़ के अगर हम बेसिक इंग्लिश पे जाएंगे और सोचेंगे तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तो व्हेन आर यू अबाउट टू कम बोलेगा, तो नहीं ये तो गलत है, ये तो आने वाले हो, तुम कब आने वाले हो जाएगा। बट भाव तो वही निकलता है ना, अर्थ वही निकलता है ना, मीन्स आपको इंग्लिश सेंस पे बोलना है, टेंस पे नहीं बोलना है। टेंस सीखने के लिए हम सीखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेट हिंदी को इंग्लिश में किस तरह से करते हैं, बट
बट बाद में जब हमें समझ में आ जाता है कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है, सेंस पे बोली जाती है, भाव पे बोली जाती है, कि हम कहना क्या चाहते हैं, एक्यूरेट वर्ड बाय वर्ड हम इंग्लिश नहीं बनाएंगे बल्कि जो हम कहना चाहते हैं वो कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।